तो लास्ट नोट्स निकाल ले। चलो, तो कल मैंने क्लास 10th पढ़ाई थी, है ना? ठीक है, लिखे हेडिंग डालिए, अपेरेंट डेप्थ। चलो अच्छे से समझना, आज की क्लास बढ़िया है और काम की है। चलो अब बिल्कुल आपस में बातचीत बंद करें, बोर्ड पे देखें। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि पानी के टंकी में जब सिक्का डाल देते हैं तो जब बाहर से देखते हैं तो सिक्का हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द लॉजिक बिहाइंड दिस के जो ऑब्जेक्ट है, जो सिक्का है, वो तो है पानी में, पर हम देखने वाले कहाँ हैं? हवा में। ड्यू टू चेंज इन मीडियम देयर विल बी एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसे बोलते हैं आंखों का धोखा। आप हैरान करोगे, अगर हम पूरा टंकी के अंदर चला जाएं, पूरा पानी में ही पूरी अपनी आंखें इमर्ज कर लें, तो मैं जहां कॉइन है वहीं दिखेगा। कारण क्या है? कॉइन भी पानी में, आंखें भी पानी में, ऑब्जेक्ट वहीं दिखेगा। आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत बेसिक सा है। ग्लास में पानी भर के कॉइन डाल दीजिए, जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको जो उसकी गहराई है वो कम दिखेगी। ऐसा लगेगा यार सिक्का तो ज्यादा नीचे है, पर दिख कहाँ रहा है? ऊपर। दिस इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ। जितनी उसकी डेप्थ है उतनी दिखाई नहीं दे रही है। दैट्स व्हाई द टॉपिक नेम इज अपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे कम दिखाई दे रही है। कारण क्या है? अगर थ्योरेटिकल कारण पूछे तो कारण है रिफ्रैक्शन। कारण क्या है इस फिनोमिना का? और सरल भाषा में बोले, कॉइन है पानी में, ऑब्जर्वर है हवा में, दोनों का मीडियम अलग-अलग है, इसलिए आपको कॉइन नहीं, कॉइन की क्या दिखाई देती है? इमेज। क्या ये बेसिक फंडा समझ में आ रहा है? अब मैं इसका रे डायग्राम समझाता हूं, इसके फॉर्मूले बताता हूं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आराम से पहले आप समझिए, उसके बाद में रे डायग्राम बनाइएगा। बहुत एकदम मन से कंसेप्चुअल देखिए, पूरे ऑप्टिक्स में 10 कॉन्सेप्ट भी नहीं है जो समझने वाले हैं, 10 भी नहीं है। अगर आपने वो 10 बातें बढ़िया समझ ली, आपको पूरे टॉपिक, पूरे सवाल बहुत आराम से बनेंगे। ये टैंक है और माना ये कॉइन है यहां पर, ठीक है, और यहां आपका ऑब्जर्वर है, आंख है ये ऑब्जर्वर। अब देखते जाइए ध्यान से, ये कॉइन है, कॉइन से रे निकल रही है, ये रे निकली। ये सबसे पहले बताइए छोटी छोटी बातें, कॉइन कहाँ है? पानी में, ऑब्जर्वर हवा में, मीडियम अलग अलग है, मीडियम अलग अलग है। कॉइन से जो रे आ रही है वो सीधी आंखों में नहीं जा रही है, यहां पर एक फिजिक्स का फिनोमिना हो रहा है। वो फिनोमिना कौन है? रिफ्रैक्शन। उस फिनोमिना में क्या हो रहा है? रे डेंसर से कहां जा रही है? रेरर। डेंसर से रेरर जाएंगी, ये नॉर्मल खींचा, बताइए अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखिए ध्यान से देखिए, मैंने रंग भी बदल दिया। रंग बदलने का कारण क्या है? क्योंकि इवेंट हो गया, फिजिक्स का एक फिनोमिना हो गया। पता है इन हरे रंग का तो नाम होगा इंसिडेंट रेज, जबकि इन ऑरेंज रंग का नाम होगा रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि इस बाउंड्री पर एक फिजिक्स का फिनोमिना हो गया, जिस फिनोमिना को हिंदी में कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डेंसर से कहां गए? रेरर में, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आंखों में जो रेज जा रही हैं, अगर इनको इंटरसेक्ट करूंगा तो आगे तो कहीं नहीं होंगी, कहां होंगी? पीछे। और ये क्या बनेगी? कॉइन की इमेज, इमेज ऑफ कॉइन। ये कौन है? कॉइन।
ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी u होती है, इमेज की दूरी v होती है, याद करिए टेंथ क्लास से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा u, इमेज हमेशा v। ये माना मीडियम है म्यू और ये मीडियम है वन, ये डेंसर है और ये एयर। चित्र बनाइए, आराम से समझिए, जितना साफ सुथरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा उतना प्रश्न करने में मजे आएंगे। पूरी कहानी बोलिए, केवल फॉर्मूले रटेंगे उसका मजा नहीं है, शब्दों में बोलिए फिजिक्स को। कॉइन पानी में है, ऑब्जर्वर हवा में है, मीडियम अलग अलग है, आंखों का धोखा होगा, कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज दिखेगी, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उत्तर है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। घर जाके स्ट्रॉ होती है, उसको आपने कांच के ग्लास में डाल के देखा होगा तो स्ट्रॉ मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है बीच में से मुड़ गई, हवा वाली तो ऊपर दिखती है, जो पानी के अंदर है वो हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, मुड़ने का कारण क्या है? आंसर है रिफ्रैक्शन। हवा में जो स्ट्रॉ का हिस्सा है आपको तो वैसे ही दिखेगा क्योंकि आपकी आंखें भी हवा में है, पर जो हिस्सा स्ट्रॉ का पानी के अंदर डूबा हुआ है वो वैसा नहीं दिखता, उसकी क्या दिखती है? इमेज। कभी आप जाके देख लीजिएगा, कांच का ग्लास लीजिएगा, पानी भरिएगा, स्ट्रॉ डाल के देख लीजिएगा, स्ट्रॉ ऐसा लगेगा बीच में से मुड़ गई, टूट गई, वो टूटी नहीं है, मुड़ी नहीं है, वो आंखों का धोखा है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। तीर का निशान जरूर बनाए, मुझे पता है चित्र बनाने को नहीं आया, फिर भी क्यों? क्योंकि मुझे ये भी पता है कुछ आगे जाके ऐसे सवाल आने वाले हैं जो डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व होंगे, इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होनी चाहिए। तीर का निशान, डेंसर से रेडर जा रहे हैं तो नॉर्मल से अवे, रंग बदला, रंग बदलने के पीछे भी विज्ञान है। इन हरे रंग का नाम है इंसिडेंट रेज, यहां पर फिजिक्स का इवेंट हो गया, इवेंट होने के बाद उन रेज का नाम बदल गया भाई, उनका नाम क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रेज, नीचे इंसिडेंट ऊपर रिफ्रैक्टेड। बोलिए क्लियर है? चलिए अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपेरेंट डेप्थ का वो है वी बाय यू बराबर म्यू टू बाय म्यू वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, v by u बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। डेरिवेशन हर स्टैंडर्ड बुक में है, एनसीईआरटी में, ट्वेल्थ की रिफ्रेशर बुक जो आती हैं, पर कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है इसलिए डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सीधा रिजल्ट याद करना है। v by u बराबर म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू कौन है? ये अगले 10 दिन चलेगा, म्यू टू का नाम बड़ा जबरदस्त है, रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, लाइट जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ध्यान से पढ़िए म्यू टू, ये अगले 10 दिन तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, लेंस पढ़ाऊंगा जब तक ये आपके साथ चलेगा। म्यू टू पूरा नाम ऐसा ही याद करिए, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वन कौन है? म्यू वन नहीं लिखेंगे, म्यू वन कॉपी में लिखना ही नहीं है, जब दो में से आपने एक पहचान लिया म्यू टू जो है तो बचा हुआ कौन हो गया? म्यू वन का कॉपी में नाम लिखना नहीं है, केवल किसका नाम लिखना है? म्यू टू को पहचान, भाई दो ही तो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा एक मीडियम से, जब आपको म्यू टू पता चल गया तो बच्चे बचा हुआ कौन होगा? म्यू वन, तो म्यू वन का कॉपी में कभी नाम लिखना ही, सिर्फ किसका लिखना है? म्यू टू, म्यू टू पहचानो, बार बार म्यू टू बोलो, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो
इस फॉर्मूले को यहां लगा के देखो, इस फॉर्मूले को यहां यूज करो, एक बार मैं करता हूं फिर आप लिखना, फिर इसको याद भी करेंगे। v by u बराबर म्यू टू बाय म्यू वन, तसल्ली से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं। रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन इन बिंदुओं पर हुआ? रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे का कलर बताओ, ऑरेंज। छोटे छोटे हिंदी के प्रश्नों का उत्तर दो वापस, क्या रिफ्रैक्शन इन दो बिंदुओं पे हो रहा है? रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे का कलर ऑरेंज, बताओ ऑरेंज किस मीडियम में गई? हवा में। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू टू इज वन, कोई नहीं रटना, बिल्कुल समझना है। म्यू टू रिफ्रैक्शन होने के बाद जिसमें गए, किसमें गए? हवा में। बचा कौन? म्यू। तो बताइए v बाय यू बराबर वन बाय, तो v इमेज कहां बनेगी? u बाय म्यू पर, u बाय म्यू पर। तो याद रख लीजिए, अगर ये d दूरी पर है तो बताइए apparent depth जो होगी, d apparent, वो कितनी हो जाएगी? d बाय म्यू। अगर मैंने मान लिया कॉइन कितनी दूरी पर है, d, तो बताइए कॉइन की apparent depth कहां दिखेगी? d बाय म्यू। ये रटा हुआ होना चाहिए हमेशा। आराम से तसल्ली से इसको 5 मिनट दो, दिमाग में बैठाओ। अगर कॉइन डी गहराई पर होगा तो दिखेगा कहां? डी बाय म्यू पर, बहुत जगह काम आएगा। तसल्ली से देख लीजिए, बोलिए नेक्स्ट करूं क्या स्लाइड? चले आगे, चलो अब आराम से देखो, नया डायग्राम बनाओ, साफ सुथरा, अब कोई नाटकबाजी नहीं, साफ साफ दिखना चाहिए। कॉइन कितनी दूरी पर? डी, दिखेगा कहां? डी बाय म्यू पर। इतना ये साफ डायग्राम दिमाग में बैठना चाहिए। ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल साफ। ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर यहां है। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर पैराक्सियल रेज है। पैराक्सियल रेज का मतलब समझते हैं, ऐसी रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग। नॉर्मल व्यूइंग का मतलब आप इस आंख को देखिए, ये आंख नॉर्मल के आसपास है, इसलिए से कहा जाता है नॉर्मल व्यूइंग। ये है कॉइन, ये है कॉइन की इमेज। अब ये फोटो एकदम दिमाग में छपी हो तब मजा है। अब इसमें मैंने रे हटा दी, ताकि रे हटाने से डायग्राम थोड़ा मेरा सिंपल बन गया। ये देखिए 5 मिनट इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए। कॉइन है डी पर, दिखेगा कहां? डी बाय म्यू पर। दसों सवाल में काम आएगा, 10 बार लग जाएगा, इसलिए एकदम इसको दिमाग में एकदम बढ़िया से सेटल कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा सेंटेंस के साथ। कॉइन पानी में है, डी गहराई पर है, हम उसको हवा से देख रहे हैं, हमें कॉइन नहीं कॉइन की इमेज दिखेगी। कारण है रिफ्रैक्शन, तभी टॉपिक का नाम है अपेरेंट डेप्थ। वास्तविक गहराई डी दिख कितनी रही है? डी बाय म्यू। घर जाके करके देख लीजिए, ग्लास लीजिए, कटोरी लीजिए, कटोरी में पानी भर दीजिए, कॉइन डाल दीजिए, आपको लगेगा यार कॉइन ऊपर दिखाई दे रहा है, जो उसकी गहराई है वो गहराई कम नजर आ रही है। और इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन, मीडियम का चेंज होना, आंखों का धोखा।
बोलिए क्या क्लियर है। अब इस पे मैं तीन चार तरह के प्रोफाइल कराने वाला हूं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लो आप। बिल्कुल तसल्ली से दिमाग बैठ जाना चाहिए डायग्राम के साथ, सेटल। अब क्या है, उल्टा सोचो। ये तो है कॉइन पानी में और देखने वाला आदमी है हवा में, उल्टा भी तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट हवा में हो और देखने वाला व्यक्ति पानी में हो, चिड़िया मछली। अभी तो ये है चिड़िया मछली को देख रही है, उल्टा भी तो हो सकता है मछली चिड़िया को देखे, यस और नो। वो भी करेंगे 2 मिनट बाद, आधा घंटे बाद। पहले आप इसको समझ लें, क्या आगे बढ़े। चलिए प्रोफाइल वन लिखिए, प्रोफाइल वन, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। ये 2 बार नीट में आई हुई है, माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम। इसी डायग्राम में 3 बातें लिखो, इसी के जहां डायग्राम बनाया है। एक्चुअल गहराई, एपरेंट गहराई और शिफ्ट। चलो कोशिश करो, बोलो आराम से। कॉइन की वास्तविक गहराई, बिंदास एकदम खुश मन से पढ़ो। स्पीड बहुत आराम से बढ़ा लेंगे कभी भी, समय पर्याप्त है, कहीं दिक्कत नहीं है। पर पहले 4-5 लेक्चर अगर फंडामेंटल समझ में आ जाएंगे ना भाई, तो करने में मजे आएंगे। एकदम साफ सुथरा, कॉइन की एक्चुअल गहराई डी, बोलो के है। कॉइन की अपरेंट गहराई डी बाय म्यू। शिफ्ट, कितना शिफ्ट नजर आ रहा है, ये देखिए इतना ऊपर नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं शिफ्ट, डी माइनस डी बाय म्यू। शिफ्ट, ये तीनों बातें दिमाग में बैठाइए, एक्चुअल गहराई, अपरेंट गहराई, शिफ्ट। उसी डायग्राम के पास लिख लें, चाय भिजवाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम लिखें, प्रोफाइल वन। चलो अब समझना ध्यान से, है ना, सब पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार बातें दिमाग में बैठेंगी ना, मजा आ जाएगा। चलो पेन पेंसिल छोड़ो, बिंदा सब देखेंगे। एक बीकर है और यहां आपने लगा दिया साहब एक निशान, मार्क कर दिया। बीकर था, नीचे काले रंग से मार्कर से निशान लगा दिया, बीकर खाली है और इसको आप बिंदास माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, फोकस कर दिया आपने। किस पे फोकस है बताइए, मार्क। बताइए मार्क दिखेगा या मार्क की इमेज। प्रश्न है, खेलना सीखो। मार्क दिखेगा या मार्क की इमेज। मार्क, मार्क भी हवा में है, देखने वाला भी हवा में। अभी इल्यूजन कहाँ होगा, सब हवा में ही तो है। इल्यूजन होता ही तब है जब मीडियम चेंज, जनाब गौर करिएगा, इल्यूजन होता ही तब है जब मीडियम का क्या होता है। अभी काहे का इल्यूजन, जहां मार्क है वहीं माइक्रोस्कोप को दिखाई देगा। ये फोकस समझते हो आप, फोकस क्या होता है। फोकस का मतलब होता है जब अपन कैमरा वो फोटो खिंचाने जाते हैं स्टूडियो में, तो आपने देखा होगा कि वो कैमरा मैन ऐसे इस तरह से फोकस करता है, आपको लगता है टशनबाजी क्या कर रहा है भाई, है ना। पर वो वास्तव में क्या होता है, फोकस करता है, लेंस को आगे पीछे करता है घुमाकर, और एकदम सही फोकस करता है जिससे आपकी फोटो एकदम क्या है, क्लियर। आपने अपने जो मोबाइल आपके पास है उसमें क्या ऑटो फोकस है। कभी आप चलते फिरते अपनी नोट्स की फोटो ले लें जल्दबाजी में, आप देखें धुंधले अक्षर आएंगे,
जल्दबाजी में है, नोट्स लिए और फोटो ले ली, अक्षर धुंधले आएंगे। कारण क्या होता है, वो फोकस ही नहीं कर पाता है। पर आपने उसको कुछ सेकंड दे दिए, एक या दो, तो आप देखना वो ऐसे अंदर बाहर होता है और अक्षर सारे साफ हो जाते हैं। उसे कहते हैं फोकस करना। घर पे आज जाके देख लीजिएगा, चलते फिरते नोट्स की फोटो ले लीजिएगा, तो अक्षर धुंधले आएंगे। इसका मतलब है कैमरे ने पूरा फोकस नहीं किया है। आपने कुछ सेकंड दिए, एक या दो सेकंड, तो वो अपने आप क्या कर लेता है, उसको फोकस का है। फिर फोटो खींचोगे, सारे नोट्स के अक्षर आपको साफ दिखाई देंगे। इसे बोलते हैं फोकसिंग करना। क्या बात सही है? ठीक है, अभी कहानी में दम है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बीकर वही, मार्क वही, अब आपने इसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। ये साहब भर दिया पानी, माना पानी भर दी गहराई तक। अब आप ध्यान से देखिए, जो माइक्रोस्कोप है, अब उसको निशान दिखेगा या निशान की इमेज? निशान की इमेज दिखेगी। कारण क्या है, पानी भर दिया, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। पता है इस माइक्रोस्कोप का फोकस बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? पहले इस फोकस किसके हिसाब से किया था, मार्क के हिसाब से। अब मार्क नहीं, मार्क की इमेज दिखेगी और उसका फोकस बिगड़ गया। पता है इस माइक्रोस्कोप को ऊपर ले जाना पड़ेगा टू फोकस अगेन। यही पूछा जाता है, कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा। पहले ये समझिए ऊपर क्यों ले जाना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोकस बिगड़ गया। इसको उदाहरण के तौर पे समझिए, आप फोटो खिंचाने गए, ठीक है साहब, अभी नीट का फॉर्म आएगा, फोटो आप खिंचाएंगे, तो कैमरामैन ने आप पे फोकस कर लिया। इतने में वो फोटो खींचने वाला था कि भाई का व्हाट्सअप आ गया। भाई ने व्हाट्सअप देखा, आपने होशियारी क्या करी, दो कदम आप तुरंत उसके पास के आ गए। आप मुझे बैठ के बताइए, जब वो वापिस कैमरा देखेगा तो फोकस सही होगा या बिगड़ चुका होगा? क्योंकि उसने फोकस तब देखा था जब आप दो कदम, भाई का व्हाट्सअप आया, भाई व्हाट्सअप में बिजी था, आपने बदमाशी करी, दो कदम आगे आ गए। बताइए उसका फोकस सही रहेगा या बिगड़ गया? अब उसके पास दो तरीके हैं, गौर करिएगा। या तो पूरी मेहनत वापस करे, या आप दो कदम उसके पास आए हो, वो दो कदम उतने ही पीछे चले जाए, फोकस वापस बन जाएगा। वापस समझिएगा, आपने दो कदम उसकी तरफ आए, या तो वो वापस पूरी मेहनत करे, या होशियारी से वो उतने ही कदम कहां चला जाए, पीछे चला जाए, वापस फोकस बन जाएगा। इसी बात को यहां देखिएगा, जो मार्क यहां था, ये मार्क की क्या बनी, इमेज। जितना ये ऊपर शिफ्ट हुआ, उतना ही इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? बस ये कितना शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता है डी 1-1/ माइक्रोस्कोप को भी ऊपर शिफ्ट कर दो, D1-1/2 फोकस अगेन। देखिए समझ में आने के बाद तो केवल फॉर्मूला ही लगाना है, वैल्यू पुट करते ही आंसर है, पर ये समझ में आना चाहिए कि माइक्रोस्कोप की कहानी हो रही है, बीकर में पानी भर गया, उसका फोकस खराब हो गया, तब आपको ये चमकना चाहिए, हमें शिफ्ट का क्या लगाना है, फॉर्मूला। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? डायग्राम बनाइए, एक बार और री एक्सप्लेन करता हूं। ये पहले की बात है, ये बात की बात है, पानी भरने के बाद ये डॉट 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 क्यों बनाया बताइए, माइक्रोस्कोप इनिशियल पोजीशन, ये बाद में बनाया फाइनल पोजीशन। अच्छे से साफ सुथरा बनाओ, आराम से समय खर्च करो, जितना फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाओगे ना, उतना फिजिक्स में मजा आएगा। मतलब लॉजिकल रीजनिंग आनी चाहिए, अपना तो एक ही तरीका है, फिजिक्स पढ़ी नहीं जाती है, सीखी जाती है। आपके दिमाग में फंडे बैठेंगे, लॉजिकल रीजनिंग बैठेगी, आपको सब्जेक्ट में मजा आएगा, वो ना रटने वाला नहीं बनेगा कि भाई चलो रट लो। रटने के लिए तो पूरा एक सब्जेक्ट अलग ही बना रखा है ना भाई, तो आप इतने भी मन के जो है ना अरमान, वो वहां पूरे दिखाया करो।
एक बात मैं आपको समय समय पर बोलता रहूंगा, बायो बॉटनी जूलॉजी हमारे बैच में नहीं पढ़ाई जाती है, आपको रोज घर पे पढ़नी जरूरी है। हमने इतने साल पढ़ाए हैं, पहले भी जहाँ पढ़ते थे वहां भी एक अल्फा नाम का बैच चलता था, वहां पे भी केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो हमने बच्चों को देखा है, सिर्फ लापरवाही से काफी अच्छे बच्चे बायो में लैग हो जाते हैं। कारण क्या है? वो पढ़ने में अच्छे हैं पर पूरे दिन केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं, बायो नहीं पढ़ पाते। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हर 8-10 दिन बाद में आपको ये याद दिलाता रहूंगा, बेटा बायो रेगुलर पढ़नी है, बगैर बॉटनी जूलॉजी रोज पढ़े काम नहीं चलेगा। क्योंकि ना देखो, क्लास में होती है ना रोज, तो एक थ्रस्ट रहता है, एक धक्का रहता है कि पढ़नी पढ़नी है। पर अभी क्लास में तो हो नहीं रही है, क्योंकि ये बैच ही केवल फिजिक्स केमिस्ट्री का है। तो आपको अपने मन को एकदम मजबूत रखते हुए ईमानदारी से रोज पढ़नी है भैया, वो दुगने नंबर की है, इस बात का ध्यान रखें, है ना? तो ये बात हम आपको रोज समझाते रहेंगे कि देखो लापरवाही मत करना, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। इतनी गलतियां अगर हम सब खुद करके देखेंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, तो काफी गलतियां हमें दूसरों से भी सीखनी चाहिए। हाँ भाई, इतनी गलतियां हैं नीट में सिलेक्शन के लिए, आप सोचो मैं सारी गलती खुद पहले टेस्ट करूंगा फिर सीखूंगा, तो भाई उम्र निकल जाएगी। तो काफी चीजें दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखनी चाहिए। कि अच्छे बच्चे 580 590 वाले बच्चे रुक जाते हैं, कारण कि सर बायो नहीं पढ़ी, बायो को इतनी तवज्जो नहीं दी, है ना? आप सब हमारे बच्चे हो, हमारा उतना ही लगाव आपसे है, इसलिए इस बात को घर पे एश्योर करें कि हमें रोज रोज बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है। और उसके लिए तो सीधा एक ही है, एनसीईआरटी उठाओ, चालू कर दो पढ़ना। बोलो क्या शिफ्ट समझ में आ गया सभी को? ठीक है साहब, तो माइक्रोस्कोप वाला सवाल कभी भी आए वो कहेगा पहले निशान था, फिर बीकर में पानी भरा, माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़े, सीधा अटैक होना चाहिए, डी 1 - 1/μ, डी 1 - 1/μ। ठीक है, अगला करूं, नेक्स्ट कर दूं, प्रोफाइल टू। हाँ जी, हाँ बालक बोल। इस वाले केस में हाँ, इमेज तो वही रहेगा ना, पहले माइक्रोस्कोप की फोकसिंग किसके हिसाब से थी? निशान के हिसाब से। अब इसको निशान दिखेगा ही नहीं, इसको तो क्या दिखेगी अब? निशान की इमेज। तो अब इसका फोकस तो इसके हिसाब से था, अब इसका तो फोकस बिगड़ गया, क्योंकि इसने तो सारी सेटिंग इस मार्क के हिसाब से करी थी, पर अब उसको मार्क तो दिख ही नहीं रहा। क्या दिखता है? मार्क की इमेज। जब हम देखते हैं ना तो हमें कॉइन और कॉइन की इमेज दोनों नहीं दिखती, सिर्फ क्या दिखता है? कॉइन की इमेज। आज घर जाके देखना, पानी में कॉइन डाल दीजिएगा, कटोरी में या ग्लास में, जब आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको दो चीज नहीं दिखेगी, केवल एक चीज दिखेगी, और वो एक चीज कौन होगी? इमेज। कॉइन तो दिखेगा ही नहीं, कॉइन की क्या दिखेगी? इमेज। क्लियर है बात? नहीं, समझना बेटा, धीरे धीरे समझ। इस माइक्रोस्कोप की फोकस किस पे था? मार्क पे। वो आदमी खड़ा था, ये कैमरामैन था, आदमी ने उस कैमरे के मैन के हिसाब से, उस आदमी के हिसाब से अपनी कैमरे को क्या कर लिया? एडजस्ट। अब बीच में आपने पानी भर दिया, पानी भरने से क्या हुआ? अब मुझे वो व्यक्ति नहीं दिख रहा, व्यक्ति की क्या दिख रही है? इमेज। तो इमेज तो थोड़ी सी आगे बन गई, तो मेरा फोकस बिगड़ गया। मान लो 3 सेंटीमीटर आगे बनी, तो मैं एग्जैक्ट इतने ही 3 सेंटीमीटर कहाँ चला जाऊं? तब फोकस हो जाएगा। बिल्कुल, इमेज को तो अपन कैसे पकड़ के ऊपर ला पाएंगे? हाथ गीला हो जाएगा ना, कौन? चले लिख हैंग डालिए, एयर बबल ट्रैप्ड इन अ ग्लास स्लैब।
एयर बबल ट्रैप्ड इन अ ग्लास स्लैब, ये भी समझिएगा, बड़ा फेमस है ये भी। एक ग्लास स्लैब है, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, आराम से समझिए। ये ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मेन हीरो ये है। अगर ये आपके दिमाग में जम गया, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है नीट के, 10 सवाल। केवल ये बात, कॉइन डी पर कॉइन नहीं, कॉइन की इमेज डी बाय म्यू पर शिफ्ट डी माइनस डी बाय म्यू, केवल ये डायग्राम, आपको कुछ नहीं करना, केवल इस डायग्राम को एक बार आपने रोज देख लिया तो आपके काफी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, एकदम दिमाग में ऐसे जम जाना चाहिए। कॉइन डी पर दिखता डी पे नहीं है, डी बाय म्यू पर है, ये बात एकदम दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। रोज देखेंगे आ जाएगा, घबराने की बात ही नहीं है। अब देखिए, ये है ग्लास स्लैब, ठीक है साहब। यहां आया एक एयर बबल, ये एयर बबल एक अंदर रह गया, ये दूरी यहां से है एक्स, यहां से है वाई, और टोटल ये स्लैब की लंबाई है एल। तो पहला समीकरण बता दीजिए, क्या एक्स प्लस वाई बराबर एल होगा? आराम से देख लीजिए, ये तो गणित है 8वीं कक्षा की, एक्स प्लस वाई क्या होगा? एल। अब आराम से देखना, जल्दबाजी नहीं। ये है साहब ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की आंख, ठीक है, ये हवा से देख रहा है, ये है बबल, ये है आपका ऑब्जेक्ट। समय जितना आप लगाओगे, जितना बेसिक पढ़ लोगे, उतना तैयार हो जाएगा। इस आदमी को बबल नहीं दिखेगी, बबल की इमेज दिखेगी। कारण पूछे क्यों? बढ़िया, हिंदी में कारण, बबल कांच में है, देखने वाला व्यक्ति हवा में है। बोलना सीखिए, गला अटक क्यों जाता है? आप गप्पे मारते हो, गला अटकता नहीं है। कैसा, 3 घंटे का टाइमर लगा दो सर, 3 घंटे में गला नहीं अटकेगा सर, इतनी बातें हैं सर। और फिजिक्स में बोलते ही सर, मीडियम इल्यूजन सर, इमेज, आप देखो ये विडंबना कितनी बड़ी विडंबना है। और कब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, आधे घंटे नॉन स्टॉप फिजिक्स नहीं बोल सकते? आप बातें करवा लो साहब, सर गला अटक जाए 500 रुपये लगा देना फाइन, गला नहीं अटकेगा सर, लगातार नॉन स्टॉप बातें। और फिजिक्स तो आपसे कहें बेटा 20 सेंटेंस बोलने बढ़िया फिजिक्स के, सर घर जाऊंगा सर आज, भूख लग रही है सर। ये क्यों ऐसा व्यवहार है? व्यवहार ऐसा होना चाहिए, अरे सर आप बोलो, उस बारे में बात कर लेंगे। वो देखिए, इस ऑब्जर्वर को बबल नहीं दिखेगी, बबल की इमेज दिखेगी। द अंडरलाइन कारण इज, बबल कांच में है, ऑब्जर्वर हवा में है। और जरा सोचिए, दिमाग में आपके बैठा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट डी पर होता है तो इमेज डी बाय म्यू पर बनती है, तो अगर ऑब्जेक्ट एक्स पर है तो बताइए ये जो इमेज बनेगी कितनी दूरी पे बनेगी? एक्स बाय म्यू पर। बोलिए, तो इस ऑब्जर्वर को बबल नहीं, बबल की इमेज दिखेगी। और बताइए कहाँ, कहाँ, कहाँ? एक्स बाय म्यू पर। बोलिए, सरफेस पी क्यू से देख रहा था ये, बिंदास देखिए, एकदम डायग्राम दिमाग में सेट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट की वास्तविक दूरी एक्स, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज दिखेगी, ये रहा ना। ये फोटो अगर दिमाग में जम गया, चलते फिरते ऐसे मजा आने लग जाएगा। कॉइन कितने पर? डी पर। दिखता कहाँ है? इसमें देखिए, बबल एक्स पर, दिखेगी कहाँ? एक्स वाई व्यू पर। ऑब्जर्वर को बबल नहीं, बबल की इमेज कहाँ? एक्स वाई में। अब आ गया वो दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से देख रहे हैं। चलो कोशिश करना शब्दों को बोलने की। वास्तव में बबल कहां पर है? वाई पर। ये तो है ऑब्जेक्ट।
पर उसको बबल नहीं बबल की मेज दिखेगी। पूरा वाक्य, अगर कॉइन डी पर होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉइन डी पर होता है तो दिखता कहां है, और बालक अगर बबल वाई पर है तो दिखेगी कहां, वाई बाय म्यू पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी, आई टू, बताइए कितनी दूरी पर, वाई बाय। तो ऑब्जर्वर को इमेज कहां दिखेगी, वाई बाय। बोलो, बना लीजिए। साफ सुथरा डायग्राम बनाइए, मस्त एकदम, सबको बोलिए। ऑप्टिक्स 5 सवाल टारगेट है, और बढ़िया दमदार तरीके से। और हमें पता है एक एक सवाल की कीमत पता है, कीमत क्या होती है। जैसे रोटेशनल, अभी मैं मास्टर प्रो में रोटेशनल पढ़ा के आया, लगभग मुझे 13 लेक्चर 14 लेक्चर लगे। रोटेशनल का इस साल एक क्वेश्चन आया बस, वो भी बोनस हुआ था, रेडियस ऑफ गायरेशन का। सोचो 14 लेक्चर मेहनत करते हैं और प्रोशन कितना आया, एक। यहां हमें 22-23 लेक्चर में ही कितने सवाल मिल जाएंगे, 5। तो ये भाई होशियारी है, स्मार्टनेस है। मास्टर प्रो 2 में पढ़ा रहा था अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वहां EMW अभी खत्म किया मैंने। EMW 2.5 से 3 लेक्चर में बहुत आराम से करा दिया मैंने, और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2। नीट 2023 में 2, 22 में 2, 21 में 2, 3 लेक्चर में ही कितने प्रश्न। ये स्मार्टनेस कहलाती है। क्या आपको स्मार्टनेस से खेलना आना चाहिए कि यार मुझे कहां किस एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है। ये 5 सवाल ऐसे हैं कि मतलब आराम से आप लूट सकते हो। एक ऐसा ही और है लूटने का टॉपिक, मॉडर्न फिजिक्स, वहां 6-6, 7-7 सवाल आते हैं। 2020 में तो 8 प्रश्न आ गए मॉडर्न में से। तो भाई वो 5-6 प्रश्न 14 लेक्चर 15 लेक्चर में तगड़े तैयार हो जाते हैं। ये लूटने वाले टॉपिक हैं। बोलिए, बढ़े आगे। तो बबल कहां पर, एक्स पर या एक्स बाय म्यू पर, और दूसरी तरफ से वाई बाय म्यू पर। बना लीजिए। बढ़े आगे। कोई मन में डाउट आ रहा हो बिंदास, आप पूछ लें, कोई समस्या नहीं, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे दूंगा। मुझे क्या पता, तो तेरा डालता है सीधा डाला कर। कोशिश कर। चले तो कॉइन है एक्स पर, दिख कहां रहा है, एक्स वाय म्यू पर। कारण क्या है बताइए, रिफ्रैक्शन। बढ़े आगे। चलिए अब दो बातें समझना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
कहीं मत घबराइए, बहुत आराम से। वो जो डायग्राम है ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, कितने ही प्रश्न हल कर देगा, बस आपको बहुत वो तरीके से समझ में आना चाहिए। कॉइन पानी में है, मछली पानी में है, कॉइन है डी पर, मछली है 12 पर, कॉइन दिखता कहाँ है, डी बाय म्यू पर, तो मछली की इमेज कहाँ दिखेगी, डी बाय म्यू पर, वो अपन को आना चाहिए। अब नया पेन लेकर या डॉट 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 करके ये मछली की क्या बनाओ इमेज, कहाँ दिखी मछली की इमेज बताइए, डी बाय म्यू। पूछो क्या नहीं आ रही बात समझ में, कॉइन वाले से कंपेयर करो, एकदम बिंदास, कोई जल्दबाजी नहीं। कॉइन डी पर होता है, मछली 12 पर है, कॉइन दिखता डी बाय म्यू पर है, तो बताओ मछली की इमेज, मछली की इमेज कहां दिखेगी, डी बाय म्यू, डी 12 म्यू, 4/3, 3/4 × 12, 4 × 12, 9 मीटर पर मछली की इमेज दिखेगी। पर हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज, डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इट्स इमेज बताइए, 12 - 9, 3। आप शिफ्ट का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। चित्र अच्छा बनाएं, वापस बना लें, ये है फिश, जितना अच्छा लिखेंगे उतना मजा आएगा, ये है फिश और ये फिश की क्या है इमेज। बोलिए, बढ़ो आगे। आगे बैठना है, आ जा, आगे आ जा, जगह है, आ जा, पास वाले खड़े हो जाओ, भी निकलने दे इसको। सही है, चल बढ़ो आगे। अब इसी सवाल को हल्का सा और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, उत्तर समझ में आ गया सबको, तीन। चलो वापस देखें इसी सवाल को, थोड़ा सा और चेंज कर, आराम से समझिएगा, समय दीजिए, जितना बढ़िया समझ लेंगे ना उतना चैप्टर आसान होता जाएगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने वाले हैं, अभी कल परसों केवल क्वेश्चन आएंगे पूरे लेक्चर में, उसके लिए अपन अभी तैयारी कर रहे हैं, एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं फिर सवाल में मजा आएगा।
ध्यान दीजिएगा साहब, ध्यान दीजिएगा साहब, चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को देखा ही नहीं है, हमेशा मछली की क्या देखी है? कारण क्या है जनाब? चिड़िया है हवा में, गौर फरमाइएगा, चिड़िया है हवा में और मछली किस में है? पानी में। देयर विल बी एन ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का धोखा है, मीडियम का चेंज है। तो चिड़िया ने कभी इमेज देखी नहीं, हमेशा चिड़िया ने कभी मछली देखी ही नहीं, मछली की क्या देखी? इमेज। अगर मैं एक छठी क्लास वाले बच्चे से पूछता ना ये सवाल, तो पता है वो क्या कहता? हाँ ठीक है आशीष भैया, इसमें क्या है? चिड़िया ये रही, मछली ये रही, कितनी दूरी? 40 प्लस 24, कितना? 64 मीटर। क्योंकि यही तो पूछा है, चिड़िया को मछली कहाँ दिखेगी? चिड़िया 40 ऊपर है, मछली 24 नीचे है, तो चिड़िया को मछली कितना नीचे देखेगी? 64। पर ये गलत है, चिड़िया को मछली दिखेगी ही नहीं, मछली की क्या दिखेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मछली इमेज बनानी पड़ेगी। और वही बात, ये डायग्राम, मुझे तो ये डायग्राम दिख ही नहीं रहा, मुझे तो इसमें 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं आगे के। अगर आपने ये समझ लिया डायग्राम, भाइयों ये बिंदास हो जाओगे आप। कॉइन डी पर है, कॉइन डी पर है, पर दिखता डी पे नहीं, डी बाय म्यू पर है। उसी तरह से मछली, मछली 24 पर है, पर फिश की इमेज बताओ, फिश की इमेज डी बाय म्यू, डी 24, म्यू 4/3, 3/4 इंटू 24, 6 6 18, फिश की इमेज कहां बनेगी? 18 पे। और मेरा आप कहना मानिए, नया डायग्राम बना लीजिए या इसी में, फिश की इमेज दूसरे पेन से बनाइए डॉट 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 करके, और इसकी दूरी दिखाइए कितनी? 18। यहां लिखिए ये है इमेज। मेहनत करिए डायग्राम पर, सब्जेक्ट पे मेहनत करोगे, आपको सब्जेक्ट पक्का रिवार्ड देगा। अगर आपने उसको एकदम तमीज के साथ पढ़ा, आपने फुल डेडिकेशन रखा, सब्जेक्ट से प्यार किया, सब्जेक्ट आपको वापस रिवर्ट करेगा। आप उसको ऐसे ही पढ़ोगे फॉर्मेलिटी, हाँ ठीक है टाइम पास है, तो टाइम पास ही रहेगा। और आपने उसको समर्पण दिखाया कि नहीं यार मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है सर, नीट सिलेक्शन रैंक ये सब ठीक है, पर अगर आप सब्जेक्ट में पढ़ाई में ईमानदारी रखोगे ना, चीज उसी तरीके से बदलेंगी। तो चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की क्या देखी? मछली की इमेज कहां बनेगी? डी बाय म्यू पर। डी बाय म्यू बनाया, कितने पाया बता? 18 पर। अब बता चिड़िया को कहां दिखेगा? चिड़िया को फिश कहां दिखेगी? चिड़िया को फिश 40 प्लस 18, 58 मीटर। आंसर बोलो। बड़े आगे अब उल्टा करते हैं साहब, आधा घंटा हो गया, ये वाली बात हमने समझी, इस वाले चित्र में क्या था? आइए इस पर फिर से आते हैं। इसमें कॉइन पानी में था, ऑब्जर्वर हवा में था। अब समय आ गया है उल्टा करने का, कॉइन या ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? हवा में, और देखने वाला ऑब्जर्वर? तो इस डायग्राम के पास फिर से चलिए, यहां और शब्द लिखिए, ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर रेरर में है। पहला चित्र आज का, पहला चित्र, आज का पहला चित्र, पहली स्लाइड, वहां लिख लीजिए ऑब्जेक्ट
डेंसर था और ऑब्जर्वर रेरर में था। अब समय आ गया है पलटने का जनाब, ऑब्जेक्ट रेरर में होगा और देखने वाला डेंसर में होगा। बोलिए, सबसे पहला चित्र आज की स्लाइड नंबर वन। बोलिए, लिख लिया? अब उल्टा कर रहे हैं, आ जाइए वापस आगे। चलिए, केस टू, एपरेंट डेप्थ ही कंटिन्यू हो रहा है उसका। केस टू, अब ऑब्जेक्ट रेरर में है और ऑब्जर्वर डेंसर में है। देखना, आप देखना, फॉर्मूला, रे डायग्राम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। सभी लोग एक बार बोर्ड पे समझ लें, बाद में बना लीजिएगा। चलो, पेन पेन से छोड़ो, पर्याप्त समय मिलेगा आपको। पहले सब्जेक्ट को एंजॉय कर लो, दिमाग में चीजें बैठेंगी तो क्या पढ़ने का, घर जाके क्वेश्चंस करने का मन करेगा। हवा हवाई हो जाएंगी तो दिक्कत है। चलो, पहले बोल लो कि मैं आपको बोलूं भाई इस चित्र पर निबंध लिखिए, तो अपन निबंध लिख सकें। पहले बोल लो क्या बोल सकते हो, बताओ। जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में है, देखो आप बिंदास। जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, पानी में। इस ऑब्जर्वर को ओ नहीं दिखेगा आपको, क्या आंखें खराब हैं क्या ऑब्जर्वर की? नहीं, आंखें नहीं खराब है जनाब, मीडियम चेंज है, मीडियम चेंज है। ऑब्जेक्ट अलग है और ऑब्जर्वर अलग है। अगर यही ऑब्जर्वर यहां होता ना, तो उसको जहां ओ है वहीं दिखता। मुझे जहां पंखा है वहीं दिख रहा है, जहां ग्लास है वहीं दिख रहा है, क्योंकि हम दोनों किस में हैं, हवा में हैं। अगर बीच में एक पानी डाल देते या एक ग्लास मोटी स्लैब डाल देते, तो फिर हमें क्या दिखाई देता? इल्यूजन। आप कह सकते हो सर ये चश्मा भी तो पहन रखा है, ये भी तो ग्लास है। बिल्कुल आपका सही है, पर अब आप देखना, अगला जो शिफ्ट होती है वो होती है D1-1/μ, वेयर डी इज द थिकनेस। इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है, इसलिए जो शिफ्ट होता है वो बहुत कम होता है। पर यहां एक मोटी कांच की स्लैब डाल दोगे, तब मुझे पंखा नहीं दिखेगा, पंखे की क्या दिखेगी? इमेज। प्रश्न आते हैं, विज्ञान पढ़ रहे ना भाई। आपने ये पूछ लिया, सर आप तो कह रहे थे कि सर मीडियम से होना चाहिए। पंखे से जो रेज आ रही है वो आंखों में जब जा रही है तो बीच में ग्लास से पास हो रही है। बिल्कुल 100% सही बात है आपकी, पर इस ग्लास की जो थिकनेस है ना वो नेग्लिजिबल है। एमएम है, एमएम 10³। जब यहां एमएम रखोगे तो नेग्लिजिबल आएगा। और यही अगर 10 सेंटीमीटर मोटे कांच होता, तब फिर मुझे पंखा नहीं, पंखे की क्या दिखती? इमेज। बोलो क्या बातें समझ में आ रही हैं? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो। ठीक बात है, तो ये बात तय हो गई, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो स्वाभाविक है क्या दिखेगी? इमेज। अभी हम फॉर्मूला पढ़कर आए, फॉर्मूला पढ़कर आए। फॉर्मूला क्या था बताइए? वी बाय यू बराबर μ2/u, ऑब्जेक्ट की दूरी 18, इमेज की पता नहीं, म्यू टू। मजे आ जाएंगे, म्यू टू, म्यू टू। देखना, एक रे निकाली ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से एक रे निकाली। ध्यान दें, कलर चेंज किया, कलर चेंज किया, रेरर से डेंसर, टूवर्स या अवे? टूवर्स। म्यू टू का नाम बोलेंगे,
रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपने घर जाते जाते सीढ़ियों से उतरते उतरते इसको 5 बार बोल लिया, अगले 10 दिन बह जाएंगे। म्यू टू का नाम, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, बताइए क्या यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ? कहां गई? पानी में। नीले रंग का क्यों कलर बदला? रिफ्रैक्शन हो गया, पानी में गई। पानी का म्यू 4/3, जो बच गया 1। म्यू 1 का कोई नाम नहीं बोलेगा, जो बच गया वो म्यू 1। तो v बराबर 18 को वहां भेजो, 4/3 × 18 24 मीटर पे दिखेगा। ये क्या था? 18 पे दिख कहां रहा है? मतलब और दूर दिखेगा। कॉइन तो पास दिखता था, पर हवा में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो और दूर दिखेगा, और दूर दिखेगा। इसको रे डायग्राम से बनाना, अब आप मजा आएगा। कह रहे यार फिजिक्स, रे डायग्राम सब कितना मैच कर रहे हैं, देखना। आप कुछ भी नहीं करूंगा, ऑब्जेक्ट से रे, कोई गलत चीज हो तो बताना, फिर नॉर्मल, ये नॉर्मल, रेडर से डेंसर, टूवर्ड्स या वे, ये देखिए टूवर्ड्स गया, अंदर मुड़ गया। ये नीली वाली का इंटरसेक्शन क्या आगे होगा? क्या आगे नहीं होगा, कहां होगा? पीछे, ये पीछे। कितना भी गंदा डायग्राम बनाए, इसका इंटरसेक्शन 18 से ज्यादा पर ही आ रहा है, और फिजिक्स भी कह रही है उत्तर 18 से ज्यादा ही आएगा। इसको 18 पे नहीं, कहां दिखेगा? 24 पर। बोलिए क्या बात समझ में आई? तो उल्टा है, कॉइन पानी में होता है तो पास दिखता है, परंतु ऑब्जेक्ट हवा में हो तो दूर दिखता है, दूर। दो बातों समझ सकते हैं, फॉर्मूला आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 24 पर, आप ये नहीं मान रहे, आप रे डायग्राम बनाइए, आपका उत्तर 18 से ज्यादा ही आएगा, जो ठप्पा लगा देगा कि ऑब्जेक्ट जनाब 18 पे नहीं, 18 से ज्यादा पर दिखेगा। बना लीजिए, तसल्ली से बनाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो भाई, कैमरा वीडियो ऑडियो सब ठीक है क्या? बता दीजिए एक बार, सब ओके है क्या? विजिबिलिटी सब सही है? आवाज ऑडियो वीडियो सब ओके है? रोशन, नीरज, आलोक, आस्था, दिनेश, आदित्य, किशोर, संजन, अनुराग, अभिषेक, आयुष, आलोक, कुलदीप, अभिषेक, अभिनव, सब ठीक है? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। मिटाऊं? पढ़िएगा घर जाके, कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, सारी बातें याद होंगी, तभी प्रश्न करने में मजा आएगा। बड़े हाँ,
तेज बोलिए, इन केस ऑफ रेज अगर डाइवर्स होती हैं, अच्छा गोताखोर जो डाइवर्स होते हैं, हाँ 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 ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं तो उनको एग्जैक्ट पोजीशन कभी दिखती भी नहीं है। गोताखोर को अगर ऊपर से अगर वो पानी में होंगे जब देखेंगे तो उनको जो एक्चुअल चीजें वहां नहीं दिखेंगी, अलग दिखती हैं बिल्कुल। वो तो सिर्फ अनुभव से करते हैं, एग्जैक्ट कभी दिख ही नहीं सकता उनको, कभी नहीं दिख सकता। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जब वो एरोप्लेन जा रहा होता है और उसको बम छोड़ना होता है तो भाई वो टारगेट से पहले से छोड़ते हैं ताकि उनको पता है प्रोजेक्टाइल करेगा, और वो अपने अनुभव से छोड़ते हैं, उनको एग्जैक्ट थोड़ा पता है। यहाँ ऊपर आके छोड़ तो बम वहां गिरेगा ही नहीं, बम तो कहाँ गिरेगा, आगे जाके गिरेगा, तो पहले से छोड़ते हैं। अब कितना पहले वो नाप भी नहीं सकते, वो तो बस हाँ टेंटेटिव कि हाँ भाई छोड़ते जाओ कहीं ना कहीं एक तो हिट करेगा ही। हाँ हाँ सच बात है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा भाई, टारगेट के ऊपर जाके आप थोड़े हो तो उसको फिर कहाँ जाएगा, वो तो आगे जाएगा। तो टेंटेटिव अनुभव से कि हाँ यार इतने किलोमीटर पहले छोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो बमबारी होती है वो तो आपास, जहां टारगेट है उससे 15-20 किलोमीटर दूसरा क्षेत्र भी तबाह हो जाता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है वो तो। सही बात है, चलिए हाँ। वो तो भाई भाई मिसाइल हो गई, ये बम का फेंकना है, दोनों में अंतर है। एक लेजर होता है ना, वो अलग है। सही, चले आगे बढ़ें क्या? तो अब दो बातें हो गई साहब, दो बातें हो गई, दोनों को डायग्राम बना के बता रहा हूं जो फाइनल आप याद कर सकते हैं। देखें अगर कॉइन कॉइन पानी में है तो बताइए इमेज कहां दिखेगी, थोड़ी ऊपर। बताइए अगर कॉइन डी पर है तो इमेज डी बाय म्यू पर। पक्का? ये कॉइन की इमेज, और ऑब्जर्वर कहां है, हवा में। देख लो फाइनल कॉल। और उल्टा उल्टा अगर ऑब्जेक्ट हवा में हो, मान लो एच दूरी पर है, तो बताओ इमेज वहीं दिखेगी या और दूर? और दूर। कितने पर दिखेगी? म्यू एच से मल्टीप्लाई। क्यों सर म्यू से मल्टीप्लाई क्यों? ये करके आए हो देखो आप, म्यू से मल्टीप्लाई किया है, म्यू से देख लीजिए, म्यू से मल्टीप्लाई। वहां म्यू से क्या हुआ? डिवाइड। यहां म्यू से मल्टीप्लाई, ये इमेज। पूरा अच्छे से डायग्राम बना लीजिए फिर क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। पूरा डायग्राम, पूरी बातें लिखिए। यहां ऑब्जेक्ट डेंसर में है, 90% तो केस वन ही काम आता है। ऑब्जेक्ट डेंसर में है, ऑब्जर्वर हवा में है। यहां ऑब्जेक्ट रेरर में है जबकि ऑब्जर्वर पानी में है। दोनों डायग्राम बना लीजिए, पूरा मार्किंग कर लीजिए। एच पर है दिखेगा म्यू एच पर, ये डी पर है दिखेगा डी बाय म्यू। कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अच्छे से देख लीजिए। हाँ 90% सवाल कॉइन वाले ही हैं, पानी वाले ही हैं। तो पानी वाला तो चलते फिरते याद करो, डी पे होता है दिखता डी बाय म्यू पर है। हवा वाला भी याद हो जाएगा, है एच पर दिखेगा कहां? म्यू एच पर। ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं तब जाके क्लैरिटी होती है। क्लास में एक फिक्स नंबर तक से ज्यादा नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, वीक में 2 या 3 बार सुबह क्लासेस लगेंगी जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन होगी, जिसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, केवल और केवल क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस। क्लास में भी भरपूर कराऊंगा सब कुछ, पर ऑप्टिक्स में क्या है ज्यादा थोड़ा सा डर हटाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 50-60 क्वेश्चन से काम नहीं चलता, 150-200 सवाल करने पड़ेंगे,
तो क्लास में तो सारे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। सुबह हमारे पास एक सुविधा है अनएकेडमी प्लस की, उसमें घर बैठे बैठे बढ़िया अपन अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वो भी मजे की बात है, उसमें जब आपकी इच्छा हो जब आप कर लीजिए, लाइव आ रहे हैं लाइव डिस्कस कर लीजिए, बाद में कभी आपने देखा 3 दिन बाद तो भी उसमें वो रिकॉर्डेड पढ़े रहेंगे, कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो। पर उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी सारी ऑफलाइन, ऑफलाइन भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा वहां एक्स्ट्रा, ताकि एक बार ऑप्टिक्स पर मजबूती आ जाए। ठीक है, जेई मेन के क्वेश्चन कर लिए ऑप्शनल, कभी पुराने पेपर के सवाल कर लिए, कभी एनसीईआरटी के कर लिए, कभी ईएलपी कर ली, केवल क्वेश्चंस। क्लास में सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सब कुछ क्लास में ही होगा 100%। वहां रहेगा केवल और केवल न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। इस बार शानदार नंबर चाहिए, वो एप्स रखनी। बढ़े आगे चलिए, अब इसी में थोड़ा सा और बात को कठिन कर देते हैं। ये तो भाई एक लिक्विड भरा हुआ था, सोचिए एक ना भर के दो लिक्विड भर दिए, तीन लिक्विड भर दिए, तो क्या होगा वो देखते हैं। दो लिक्विड भर दिए, D1 D2 अपनी है। आधा आधा घंटे के हो गए क्या आज पीरियड? क्या आज तुम्हें काहे का फंडे चाहिए तुम्हें? स्ट्रेस बस्टर। चलो चले चले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। जल्दी से देखें, एक बीकर है जिसमें कितने लिक्विड भरे हुए हैं, दो, और यहां निशान है, ये रहा मार्क। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए साहब एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ पहले तो मुझे याद है कितना, बोलिए। डी बाय म्यू, रटा हुआ डी बाय म्यू, पर ये तो एक लिक्विड का है, कितने लिक्विड है? तो चलो कोशिश करो, डी अपरेंट D1 by μ1 प्लस एंड सो ऑन। चाय ठंडी हो गई, कोई बात नहीं, अभी मंगवा लेंगे दूसरे। डी अपरेंट, अच्छा कोई मैं आपसे पूछे एक्चुअल डेप्थ बता दो, ईमानदारी से बताना, नौटंकी नहीं, एक्चुअल डेप्थ अच्छे से, एक्चुअल डेप्थ D1 प्लस D2, एक्चुअल डेप्थ तो यही होगी। कोई पूछे कितना ऊपर शिफ्ट होगा निशान, तो शिफ्ट का तो अच्छा तरीका क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट। एक्चुअल में से एपरेंट घटा दोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, शिफ्ट। तो साहब ये 10 स्लाइड आज आपको पढ़ के आनी है ईमानदारी से, जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे उतना मजा आएगा। कल से TIR शुरू करूंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सवाल उस पर आता ही है, 2023 में भी आया, 22 में भी आया, बहुत पॉपुलर, बहुत आसान टॉपिक है। तो कल पहले आधा घंटा इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उस पे TIR शुरू करेंगे। कौन क्या होता है, नहीं उसका रे ऑप्टिक से कोई संबंध नहीं है, हाँ निकाल सकते ना, ये टोटल आएगा दो बार, पहले वाले का इल्यूजन फिर दूसरे लगे इल्यूजन, ये नेट है, कल आएगा इस पर क्वेश्चन। बढ़े आगे, तो कल से आगे बढ़ेंगे, कल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और क्लास में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ये सारे के सारे जो जो समझाया है एकदम मुक जबानी याद होने चाहिए, जैसे वो 7वीं 8वीं में पूछते थे ना,
टीचर आता था, चलो भाई कल का ओरल टेस्ट, तो सारे मौखिक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो जो पढ़कर आएगा वो क्लास में रहेगा, बाकी टाटा बाय बाय। सही है, इसलिए पढ़कर जरूर आए। धन्यवाद। क्लास और है, छुट्टी है, एक और है।